लोक देवता हड़बुजी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में लेके आए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर एक, लोक देवता हड़बुजी की सवारी किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सियार को। लोक देवता हड़बुजी की सवारी सियार को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दो, लोक देवता हड़बुजी का जन्म राजस्थान में कहां पर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुंदेलगांव में। जन्म हुआ बुंदेलगांव नागौर में 15वीं सदी में। पिता का नाम था मेहाजी सांकला और जाति थी राजपूत, गोत्र था सांकला। क्वेश्चन नंबर तीन, हड़बुजी के मंदिर में प्रतीक स्वरूप किसकी पूजा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैलगाड़ी की। लोक देवता हड़बुजी के मंदिर में प्रतीक स्वरूप बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर चार, जोधपुर शासक राव जोधा ने हड़बुजी को उपहार स्वरूप कौन सा गांव दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगटी गांव। जोधपुर शासक राव जोधा ने हड़बुजी को उपहार स्वरूप बेंगटी गांव दिया था। क्वेश्चन नंबर पाँच, हड़बुजी के मेले का आयोजन कब किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भादु में शुक्ल दशमी को हड़बुजी का मेले का आयोजन किया जाता है। मेला लगता है बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर छः, लोक देवता हड़बुजी ने रामदेव जी के कितने दिन बाद जीवित समाधि ली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा 8 दिन बाद। लोक देवता हड़बुजी ने रामदेव जी के समाधि के 8 दिन बाद जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी व हड़बुजी दोनों मौसेरे भाई थे। गायों का सेवक भी कहा जाता है हड़बुजी को। मंदिर का निर्माण 1721 में अजीत सिंह ने करवाया। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन हमें कमेंट करके बताना है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।